पाकिस्तान में कई जनरल आए कई गए, कुछ ने तख्ता पलटा और वो तानाशाह भी बने, लेकिन इन सभी जनरल ने पाक फौज को हमेशा अपना वफादार बनाकर रखा। लेकिन बाजवा इतिहास के पहले ऐसे जनरल बन गए हैं जिनके खिलाफ पाक फौज में ही बगावत हो गई है। बाजवा ने इस बगावत को बेरहमी से कुचलना भी शुरू कर दिया है, लेकिन सवाल तो यह है कि अपनी ही फौज से कब तक बचेगा बाजवा। पाक फौज में जनरल के खिलाफ बगावत, बाजवा के खून की प्यासी हुई पाक फौज, बाजवा के खिलाफ हुए आला फौजी अफसर, बाजवा ने बागी लेफ्टिनेंट जनरल को निपटाया। आखिर ऐसे कब तक बचेगा बाजवा? यूं तो पाक फौज के जनरल बाजवा अच्छे निशानची हैं, लेकिन इस बार उनका निशाना चूक गया है। बाजवा ने ऐसी गलती कर दी है कि पाक फौज उनके खिलाफ बगावत पर उतर आई है, यानी अब बाजवा एक ऐसी फौज के सेनापति हैं जो उन्हीं के खिलाफ आस्तीन चढ़ाए खड़ी है। दरअसल बाजवा ने बीते कई हफ्तों से पाक फौज के सबसे सीनियर ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज सत्तार को उनके परिवार के साथ उन्हीं के घर में हाउस अरेस्ट कर रखा था, और अब खबर आई है कि बाजवा ने जनरल सत्तार से जबरन इस्तीफा लेकर उन्हें वक्त से पहले रिटायर कर दिया है। जनरल सत्तार पाक फौज में बाजवा के बाद सबसे सीनियर ऑफिसर हैं, इसलिए बाजवा की इस हरकत पर पाक फौज बिफर पड़ी है। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल सत्तार पाकिस्तानी सेना के वो अफसर हैं जो बाजवा के रिटायरमेंट के बाद नवंबर में ही पाकिस्तानी आर्मी के चीफ बनने वाले थे, लेकिन बाजवा ने इमरान खान सरकार पर दबाव डालकर अपना कार्यकाल बढ़वा लिया, और जब सत्तार ने इसका विरोध किया तब बाजवा ने उन्हें उनके ही घर में नजरबंद करवा दिया। सत्तार और उनका परिवार बीते कई हफ्तों से अपने ही घर में नजरबंद था। 1984 बैच के सरफराज सत्तार एक बेहद काबिल फौजी अफसर माने जाते हैं। बाजवा ने उन्हें कैद कर जिस तरह बेइज्जत किया और फिर जबरन उनसे इस्तीफा लिखवाया, इससे पाकिस्तानी फौज में बेहद गुस्सा है। पाकिस्तानी फौज भीतर ही भीतर बाजवा के खिलाफ गुस्से से उबल रही है, और बाजवा आने वाले दिनों में जो कुछ करेंगे उससे ये गुस्सा और ज्यादा भड़केगा। दरअसल बाजवा ने इमरान सरकार से अपना कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़वा लिया है, तो पाक फौज का एक सीनियर ऑफिसर का धड़ा इसके खिलाफ आवाज उठाने लगा है। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज सत्तार की अगुवाई में पाक फौज के 7 जनरल एक्सटेंशन के खिलाफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार तो बाजवा के एक्सटेंशन का मामला फंसा ही दिया था, लेकिन बाजवा किसी तरह पहले 6 महीने का एक्सटेंशन और फिर 3 साल का एक्सटेंशन पाने में कामयाब हो गए। सत्तार समेत ये 7 जनरल वो हैं जिन्हें बाजवा के बाद अगले 3 साल में पाक फौज का जनरल बनना था, लेकिन बाजवा के एक्सटेंशन की वजह से ये सभी अब कभी आर्मी चीफ नहीं बन पाएंगे, क्योंकि सत्तार इस पूरे विरोध की अगुवाई कर रहे थे। इसलिए बाजवा ने पहला शिकार उन्हीं को बनाया है। आने वाले दिनों में बाजवा बाकी के 6 जनरलों पर भी ऐसी ही कार्रवाई कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सत्तार को पाक फौज से निकालकर बाजवा को लगा होगा कि उन्होंने अपनी राह आसान कर ली, लेकिन असल में ये एक ऐतिहासिक गलती है, क्योंकि सत्तार पाक फौज के एक लोकप्रिय अफसर थे और उनके साथ ऐसे बर्ताव से पाक फौज आग बबूला है। अब आशंका है कि बाजवा बाकी के 6 बागी अफसरों के साथ भी ऐसा ही सलूक कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो पाक फौज का गुस्सा फूट पड़ेगा, और ऐसा इतिहास में पहली बार होगा। जी हाँ, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि पाक फौज में अपने ही किसी जनरल का ऐसा विरोध देखने को मिला हो। पाक फौज 2 धड़ों में बट चुकी है, एक धड़ा बाजवा के साथ है तो दूसरा बाजवा के खिलाफ। लेफ्टिनेंट सत्तार जो हैं पाकिस्तान के, ये एक जनरलों में हैं, लेकिन ऐसे कम से कम 10-12 ऐसे जो लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर रैंक के अफसर हैं जिनकी पूरी भविष्य से खत्म हो गई है। एक जनरल को 3 साल का एक्सटेंशन ये दुनिया में बहुत कम देखा जाता है। वो चेयरमैन बनना CDS बनना यह अलग बात है, लेकिन जनरल यहाँ पे आके 3 साल का एक्सटेंशन लेता हो, ये देश के लिए और दुनिया के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी पहली बार पाक फौज में ऐसे टकराव की स्थिति आई है, और अगर कल पाक फौज खुद जनरल बाजवा का ही तख्ता पलट कर दे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बार जनरल बाजवा का मुकाबला एक साथ 6 जनरलों से हो रहा है, और सभी जनरलों के पीछे पाक फौज ही खड़ी है। टीम न्यूज नेशन।
ये सच है कि फौज में कमांडिंग अफसर का ही हुक्म चलता है और इसीलिए इतिहास में ऐसा कम ही देखा गया है कि किसी फौज ने अपने ही जनरल के खिलाफ बगावत की हो। लेकिन पाकिस्तान का मामला और है। पाकिस्तान में बाजवा के खिलाफ फौज के 6 नहीं कुल 24 जनरल हैं। पाक फौज के ये सभी आला अफसर बाजवा के पूरी तरह खिलाफ हैं, यानी पाक फौज का करीब करीब हर आला अफसर बाजवा के खिलाफ है। बाजवा को भारी पड़ेगा सत्तार का शिकार। बाजवा के एक्सटेंशन से पाक फौज में फूट। अपने बनाए चक्रव्यूह में फंस गए बाजवा। बाजवा के खिलाफ पाक फौज के 24 जनरल। पाक फौज की हालत कुछ कुछ सास बहू के सीरियल जैसी हो गई है, जिसमें सामने से तो हर अफसर एक दूसरे को सैल्यूट मार रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर साजिशों के जाल बुने जा रहे हैं। दरअसल बाजवा ने अपना कार्यकाल बढ़वाने के लालच में पाक फौज का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो अभी स्थिति ये हो गई है कि दोनों मिलके अपने देश का और अपने पाकिस्तान आर्मी का सर्वनाश करने वाले हैं, और जो भारत के लिए बहुत अच्छा है। और यही मौका है कि समय अगर कभी इजाजत देता है तो हिंदुस्तान की जो आर्मी है, फौजी एनवन पीओके पे नहीं, लाहौर और पेशावर तक जाने की तैयारी में है। बाजवा कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। अब वो एक दो नहीं बल्कि पूरे 3 साल तक और आर्मी चीफ बने रहना चाहते हैं। लेकिन इससे पाक फौज का सारा ताना बाना उलझ गया है। इसे कुछ इस तरह समझे, करीब 36 साल की नौकरी के बाद पाक फौज में जनरल बनने का नंबर आता है। अगर बाजवा नवंबर 2019 में रिटायर हो जाते तो लेफ्टिनेंट जनरल पद के कई अफसर इस पद के दावेदार बन जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस वजह से 7 लेफ्टिनेंट जनरलों का तो आर्मी चीफ बनने का चांस गया ही। लेकिन अगले 3 साल यानी 2022 तक जब बाजवा आर्मी चीफ की कुर्सी छोड़ेंगे, तब तक करीब 24 ऐसे लेफ्टिनेंट जनरल होंगे जिनके हाथों से आर्मी चीफ बनने का मौका फिसल चुका होगा। यानी बाजवा के एक कदम से पाक फौज के 24 आला अफसरों की लुटिया डूब गई है, इसलिए ये सभी बाजवा से खार खा गए हैं। सबसे अहम बात तो ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल स्तर का अधिकारी जवानों की एक बहुत बड़ी तादाद को लीड कर रहा होता है, उसकी कोर के जवान उसके वफादार होते हैं, और अब पाकिस्तानी फौज में ऐसे कई आला अधिकारी हाथ धोकर बाजवा के पीछे पड़ चुके हैं, यानी पाकिस्तानी फौज में अब टकराव के हालात बनते जा रहे हैं। बाजवा के एक्सटेंशन से नाराज ये अफसर कितने बड़े और पाक फौज के लिए कितने अहम है, इसका अंदाजा आप इनकी जिम्मेदारियों से लगा सकते हैं। इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि पाक फौज में इनके वफादारों की तादाद कितनी होगी। बागी नंबर 1, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज सत्तार, मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ, इन्फेंट्री डिवीजन, सियालकोट के कमांडिंग अफसर और भारत में डिफेंस अटेची जैसे अहम पदों पर रह चुके हैं। निकाले जाने से पहले वो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को संभालने वाली डिवीजन के कमांडर इन चीफ थे। बागी नंबर 2, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा, ये इन्फेंट्री डिवीजन से आते हैं। इससे पहले ये पाकिस्तानी फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे। ये सबसे महत्वपूर्ण काकुल आर्मी एकेडमी के कमांडर और वजीरिस्तान के कोर कमांडर रह चुके हैं। बागी नंबर 3, लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज, पाक फौज का ये आला जनरल फिलहाल कराची कॉर्प्स का कमांडिंग ऑफिसर है। बागी नंबर 4, लेफ्टिनेंट जनरल नईम अशरफ, पाक फौज के चौथे सीनियर मोस्ट जनरल नईम अशरफ हैं, ये फिलहाल मुल्तान के कॉर्प्स कमांडर हैं। बागी नंबर 5, लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर, ये पाकिस्तान के मौजूदा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के पद पर तैनात हैं। इससे पहले ये पाक फौज की कई बेहद अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। बागी नंबर 6, लेफ्टिनेंट जनरल शेर अफगान, ये आजाद जम्मू कश्मीर रेजिमेंट से आते हैं, फिलहाल ये पाक फौज में IGT&E का पद देख रहे हैं। बागी नंबर 7, लेफ्टिनेंट जनरल काजी मोहम्मद इकराम, काजी इन्फेंट्री डिवीजन से आते हैं और ये फिलहाल ASFS के कमांडर हैं। इन बागी अफसरों के पद देखकर आसानी से इनकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब सोचिए, इतने ही ताकतवर 24 अफसर बाजवा से खार काए बैठे हैं।
अब अगर बाजवा एक एक करके इन अफसरों को पाकिस्तानी फौज से निकालने लगे तो अंजाम क्या होगा, इसका अंदाजा खुद ही लगाया जा सकता है। यानी अब अगर बाजवा 3 साल आर्मी चीफ रह भी गए तो ये पद उनके लिए कांटों का ताज साबित होने वाला है। बाजवा के खिलाफ इन तमाम अफसरों के मातहतों में भी गुस्सा पल रहा है। उन्हें लग रहा है कि बाजवा ने एक साथ कई ईमानदार अफसरों के करियर खराब कर दिए हैं और वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इमरान खान का जो ये निर्णय है, जो बाजवा के साथ प्रेम है, ये केवल थोड़े दिनों का है। पूरी पाकिस्तान की सेना जो है बगावत की स्थिति में है। और मैं आपको बताऊं कि जिस देश में लोकतंत्र की कोई प्रक्रिया नहीं, कोई उसका भविष्य नहीं, तो इसमें अगर जनरल बाजवा को अगर इन्होंने बना भी दिया है तो जो लेफ्टिनेंट जनरल और पीछे के जो मेजर जनरल जो कि लाइन में खड़े हैं अपने भविष्य के साथ और अपने देश के लिए, ये पूरे बगावत की स्थिति पैदा करेंगे और ये इनके पाकिस्तान का एक सर्वनाश होगा, उनके आर्मी का और देश का भी। अब देखना यह है कि पाक फौज में पनपता यह गुस्सा ज्वालामुखी बनकर कब भड़कता है। टीम न्यूज़ नेशन। अपने लालच की वजह से बाजवा पाक फौज के रिटायर्ड अफसरों के भी निशाने पर आ गए हैं, खासतौर पर पूर्व पाक आर्मी चीफ राहिल शरीफ के निशाने पर। दरअसल लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज सत्तार जनरल राहिल शरीफ के चुनिंदा अफसरों में से एक थे। खुद राहिल शरीफ ने ही उन्हें अगला आर्मी चीफ बनाने के लिए तैयार किया था, लेकिन बाजवा ने अब जिस तरह से उन्हें फौज से निकाला है, इससे रिटायर्ड अफसर भी बाजवा के खिलाफ हो गए हैं। रिटायर्ड जनरल राहिल शरीफ, पाक फौज का वो अकेला अफसर जो जब रिटायर हुआ तो सारा पाकिस्तान ये इल्तिजा कर रहा था कि वो एक्सटेंशन ले लें। ये भी सच है कि अगर राहिल शरीफ चाहते तो उनके एक्सटेंशन को लेकर कोई अड़ंगा नहीं लगा सकता था, लेकिन राहिल शरीफ उसूलों वाले इंसान थे। उन्होंने सही वक्त पर इस्तीफा दिया और आर्मी चीफ का पद भी छोड़ दिया। 2016 में जब राहिल शरीफ की रिटायरमेंट की तारीख करीब आ रही थी, अचानक पाकिस्तान के शहरों में बड़ी तादाद में ऐसे पोस्टर दिखाई देने लगे जिनमें लोग राहिल शरीफ से एक्सटेंशन लेने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन राहिल शरीफ ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके एक्सटेंशन से दूसरे जनरलों का आर्मी चीफ बनने का सपना टूटे। राहिल शरीफ ने पद छोड़ा तो नवाज शरीफ ने बाजवा को नया आर्मी चीफ चुन लिया। हालांकि राहिल शरीफ बतौर अगले आर्मी चीफ सरफराज सत्तार का नाम रिकमेंड करके आए थे, यानी अगर नवाज शरीफ ने राहिल शरीफ की बात सुन ली होती तो बाजवा बिना आर्मी चीफ बने ही रिटायर हो जाते। लेकिन बाजवा पर अब सत्ता का ऐसा नशा सवार है कि वो कुर्सी पर बने ही रहना चाहता है। अब जानते हैं कि बाजवा ऐसा कर आखिर चाहता क्या है। बाजवा ने पाक में इमरान के तौर पर एक कमजोर पीएम बिठाया। कमजोर सरकार होने से परोक्ष रूप से सत्ता सीधे बाजवा के हाथों में है। इसी सत्ता के लिए बाजवा ने इमरान से अपना कार्यकाल बढ़वा लिया। बाजवा का कार्यकाल 2016 से 2019 तक यानी करीब 3 साल का था। अब बाजवा ने अपना कार्यकाल 2 गुना यानी 6 साल का करा लिया है। अब वो पहला ऐसा आर्मी चीफ होगा जो बिना तानाशाह बने 6 साल तक सत्ता में रहेगा, यानी बिना सरकार का तख्ता पलटे। बाजवा ने बहुत ही सफाई से सारी ताकत अपनी मुट्ठी में कर ली है। अब वो एक ऐसा आर्मी चीफ बनकर उभरा है जो राष्ट्राध्यक्षों की तरह दूसरे राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करता है, विदेशों के दौरे करता है। इसमें शक नहीं है कि बाजवा ने सारा खेल बहुत सफाई के साथ खेला। बस उससे एक चूक हो गई है, उसने लालच में अंधे होकर पाक आर्मी को ही अपना दुश्मन बना लिया। पाकिस्तान की आर्मी बहुत अभी हलचल में है। उसका कारण है कि हमारे जो नए जनरल हैं उन्होंने एक जो चेतावनी दिया है कि केवल अगर संसद और भारत सरकार का निर्णय हुआ तो हम पीओके को कभी भी इसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। इससे एक और हलचल मची हुई है और इसी में जैसे सत्तार जैसे लोगों को इस्तीफा दिलाया गया है और इनको हाउस अरेस्ट किया गया है तो पीछे जितने भी जनरल हैं सब इकट्ठे होंगे और जनरल बाजवा के लिए ये बहुत कठिन समय होगा कि वो जनरल के पद पर अपना काम कर सकें। जाहिर है अब पाक फौज में एक सत्ता संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है। जिन जनरल्स का खेल खराब हो चुका है वो बाजवा का खेल बिगाड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। जानकारों का तो यहाँ तक कहना है कि पाक फौज के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर भी बाजवा के विरोधी अफसरों का साथ दे रहे हैं, यानी फौज के दुश्मनी लेकर बाजवा ने अंगारों पर चलने का फैसला कर लिया है।
टीम न्यूज नेशन। पाकिस्तान में फौज या तो ड्राइविंग सीट पर रही है या फिर पीछे बैठकर पीएम को रास्ता बताती रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पाक फौज में आपस में ही भिड़ने के हालात पैदा हुए हों, लेकिन बाजवा ने यह भी कर दिया है। अब बाजवा को देखना है कि वो शेर की ये सवारी कब तक कर पाते हैं। बाजवा ने बड़ा दांव खेला है, लेकिन जितना बड़ा ये दांव है उतना ही ज्यादा इसमें जोखिम भी है। बाजवा को एक्सटेंशन देने के जो कारण पाक फौज ने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में तत्कालीन चीफ जस्टिस आसिफ खोसा के सामने गिनाए थे, वो थे पाकिस्तान और भारत के बीच जंग के हालात बने हुए हैं, ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव बढ़ा हुआ है, अमेरिका और तालिबान की शांति वार्ता चल रही है, कश्मीर के हालातों से निपटने के लिए बाजवा की जरूरत है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी हुई है और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में सरकार को बाजवा का साथ चाहिए। ये सारी की सारी बातें कारण कम बहाने ज्यादा हैं। इन्हें देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे बाजवा ही दुनिया चला रहे हैं, लेकिन यही सब बातें बाजवा के लिए अब चुनौतियां भी बनने वाली हैं, क्योंकि ये बात बाजवा भी जानते हैं और सारी दुनिया भी कि बाजवा इनमें से कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। कि इमरान खान को बनाने वाला ये बाजवा है, जनरल बाजवा अगर आप देखिए तो शुरू से ही पोलिटिकलाइज है, ये हर दूसरे देश में जाके आर्थिक रूप में भी अपने आप को दबाव बनाना चाहता है, चीन में भी जाता है तो ये लगता है कि जैसे कोई यही प्रधानमंत्री है। अब ये इसके दबाव में है और अगर ये थोड़ा भी फ्लेक्सिबल नहीं होंगे बाजवा के लिए तो बाजवा तो इन्हीं को साफ कर देगा। ना तो वो कश्मीर में दोबारा 370 लगवा सकते हैं, ना वो ईरान और सऊदी अरब में शांति करा सकते हैं। अमेरिका तालिबान की डील पहले ही टूट चुकी है और अर्थव्यवस्था के मामले में कोई फौजी अफसर करेगा भी तो क्या करेगा। यानी अगले 3 साल में बाजवा के लिए ये साबित करना मुश्किल होगा कि आखिर उन्होंने अपना कार्यकाल बढ़वाया क्यों, क्योंकि एक दिन ये सवाल लोग बाजवा से भी पूछने वाले हैं और इमरान से भी। तो यहाँ भी वही चल रहा है, अगर हो सकता है कि आने वाले दिनों में बाजवा ये चाहे कि इमरान खान को हटा के सत्ता पे काबिज हो जाए, लेकिन उसकी स्थिति अपने फौज में ही बहुत खराब हो चुकी है और उसको खराब करने वाला इमरान खान है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अपने आप में कोई सुधार की कोशिश नहीं कर रहा। आप देखिए परवेज हो या खान हो, सबकी यही हालत रही है और पाकिस्तान फौज आज की स्थिति में सबसे खराब स्थिति में है। अगर ऐसा नहीं होता तो बाजवा एक फौज के इतिहास में सबसे ज्यादा लालची और काइया जनरल कहे जाएंगे, और वो भी तब अगर वो अपना बढ़ा हुआ कार्यकाल शांति से पूरा कर सके, क्योंकि उनकी मुखालफत करने के लिए उनके चारों तरफ फौज में अब उनके दुश्मन ही दुश्मन है। टीम न्यूज नेशन। Yeah.